बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन को सोल्व करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ जाएगा फार्मूला के मुताबिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, इनसे क्या थे 81। इसके बाद क्या करेंगे, इनकी जगह 27 को पुट करेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81। इसके बाद 27 को इस साइड पर लाएंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 81 माइनस 27। तो यहाँ लिख देंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, इनसे क्या आता है 54, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो यहाँ आ जाएगा इनके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर, तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² इनसे 54। इसके बाद क्या करेंगे, इनको लिख देंगे a² प्लस a² इसी तरह b² प्लस b² इसी तरह प्लस c² प्लस c² इज इक्वल टू 54, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, तो यहाँ सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को लिख देंगे, वो है a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c², यहाँ माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 54 माइनस 54। तो यहाँ क्या करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, एक ये फार्मूला बन जाएगा, दूसरा b² प्लस c² माइनस 2bc, एक ये फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद c² माइनस सॉरी प्लस a² माइनस 2cs, एक ये फार्मूला बन जाएगा, इनसे आता है 0। तो यहाँ जाएगा फार्मूला के मुताबिक a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस है, केस नंबर 1, वो है a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, b माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, c माइनस a इज़ नॉट इक्वल टू 0। केस 2 है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 0, इसी तरह b माइनस सी इज इक्वल टू 0, c माइनस a इज इक्वल टू 0। केस नंबर 1 को देखते हैं, केस नंबर 1 में क्या, ये तमाम वीडियो 0 के बराबर नहीं है तीनों वीडियो, लेकिन इधर देख, इधर कहता है कि ये तो 0 के बराबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। केस 2 को देखते हैं,
सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं, माइनस बी को इस साइड पर लाएं तो ए इज इक्वल टू बी के बराबर आ जाएगा। इस तरह बी सी के बराबर आ जाएगा, सी ए के बराबर आ जाएगा। इनसे हमें पता चल गया कि ये तमाम वीडियो एक दूसरे के बराबर हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास क्या है, वो है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नाइन। सबसे पहले क्या करेंगे, ए को अपनी जगह लिख देंगे प्लस बी की जगह, ये तमाम बराबर हैं तो बी की जगह ए को पुट करेंगे और इसी तरह सी की जगह भी ए को पुट करेंगे इज इक्वल टू नाइन। इसके बाद इन तमाम वीडियो को ऐड करो तो इनसे क्या आता है, इनसे आता है थ्री ए इज इक्वल टू नाइन। फिर दोनों साइड को थ्री पर डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी, थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री ज़ा नाइन, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थ्री। ए की वैल्यू हमारे पास थ्री आ गई, ए इज इक्वल टू थ्री, तो ये बी सी ये तमाम बराबर है ना, तो बी की वैल्यू भी थ्री आ जाएगी, इस तरह सी की वैल्यू भी थ्री आ गई। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया।